नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। लोग बताते हैं कि सूर्यदेव की मूल त्रिकोण राशि धनु को छोड़कर अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश करें। इस वर्ष ग्रहों का राजा सूर्य का मकर राशि में आगमन ऋषिकेश पंचांग अनुसार गुरुवार 14 जनवरी को दोपहर 2:37 में हो रहा है। अतः निर्णय सिंधु के अनुसार, बृहद ज्योतिषार के अनुसार सूर्यदेव जिस समय संक्रांति परिवर्तन करते हैं उसके 6:24 पहले से ही पुण्यकाल का आरंभ हो जाता है। 6:24 के बाद का समय पुण्यकाल हो जाता है। अतः प्रातः 8:13 से रात्रि 9:01 तक का समय श्रेष्ठ और पुण्यकाल होगा। इस शास्त्रों के अनुसार पंचांग में निम्नलिखित वर्णन है कि कमल दान करना चाहिए, इससे अनेक पुण्य का लाभ मिलता है। और मकर संक्रांति एकता का प्रतीक है, हमारे सौहार्द को उज्जवल करता है। और विशेष पुराण में भी ये वर्णन है कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। ये भीष्म पितामह की जयंती मनाई जाती है। भीष्म पितामह की जो है जन्म आज ही हुआ था, महाभारत में ऐसा उल्लेख पाया गया है, इसीलिए मकर संक्रांति का जयंतियाँ मनाई जाती है। यही शिल्पांचल वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग सौहार्द पूर्वक जो है मकर संक्रांति मनाएं, आपस में एकता रखें, सौहार्द रखें, भाइयों से प्रेम चारा रखें और दीर्घायु रहें। यही मैं अपील करना चाहता हूं परमात्मा से कि जितने सर्वे सुखना भवंतु सर्वे संत निरामय, सारे लोग सुखी हों, सब निर्भय रहें, आनंद पूर्वक रहें। यही मेरा संदेश। मकर संक्रांति 3 साल के बाद लगा है, 3 साल बाद लगा है। यह इसमें 5 ग्रह मकर राशि पर ही स्थित है, इसलिए इसे पंचग्रही योग भी कहते हैं। इसमें दान पुण्य करना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत फायदामंद रहेगा। आज स्नान दान का पर्व है, यह इसको मकर संक्रांति कहते हैं हम लोग। 5 पर है। मैं गणेश प्रसाद मिश्रा आसनसोल के सभी शिल्पांचल वासियों को मकर संक्रांति पर्व पर हार्दिक शुभकामना देते हैं और सभी अपने घर अपने पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, मंगल उनकी वर्ष मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामना है। मैं तनुजा सिन्हा लोहरी पोंगल और मकर संक्रांति के सभी देशवासियों की बधाई देती हूँ। ये पर्व सूर्य को दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करने के लिए मनाया जाता है। धार्मिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है ये त्यौहार। कितने जो लोग आज के दिन खिचड़ी भी बना करके खाते हैं, इसलिए इसे खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। धन्यवाद। इसलिए है कि इसमें सभी अनाज जो है मिला करके इस खिचड़ी को बनाया जाता है, तो एक तरह से ये एकता का संदेश भी देती है। ये हम लोग का धार्मिक के हिसाब से ये पर्व का शुरुआत होता है मकर संक्रांति का, और इसकी शुरुआत इस त्यौहार की शुरुआत हम लोग दही चूड़ा करके खा करके मनाते हैं। और ये आशा है और भगवान से प्रार्थना है कि सभी देशवासियों के लिए ये पर्व मंगलमय हो और ये साल मंगलमय हो।